अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, आज मैं अपने होटल की वीडियो बना रहा था। आज अनोखा आपको इंट्रो दे रहा हूँ। वी आर हेयर विद खालिद साहब इन और होटल लिफ्ट। हम जा रहे हैं सातवीं मंजिल पे, या अपने गेस्ट ठहरे हुए उनके इंटरव्यूज करेंगे। आप भी हमारे साथ लिफ्ट में इंजॉय करें। आज खालिद भाई भी इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और देखो अपने आप को देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं खालिद भाई, और पैसेंजर भी हमारे पास बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप के लिए खाना रेडी हो गया जी माशाल्लाह। ये देखिए हमारे गल्फ होटल का खाना रेडी है, बिरयानियाँ आ गई हैं और सलाद वगैरह भी रेडी हो गया। थैंक यू। खाना शुरू है जी, नाउ लेडीज ओनली, इसके बाद बॉयज़ आएंगे। सर्व हो रहा है अभी खाना। कबाब भी आ चुके हैं जनाब, कबाब भी रेडी हैं, आ चुके हैं माशाल्लाह। बाकी बॉयज़ इधर आ गए जी माशाल्लाह, बॉयज़ आर हियर। अभी इसके बाद इनका नंबर है, खाने का इनका नंबर है। इसके बाद होटल इज़ टू बिज़ी टुडे, मच मच बिज़ी टुडे। ये देखिए हमारे साथ रहे, पूरी वीडियो तक आप खाना ख़त्म हुआ जाता है। अभी लेडीज़ की बारी ख़त्म, अभी बॉयज़ आ गए बहुत सारे, उस तरफ बॉयज़ बैठे हुए हैं, वो देखें, ऑल बॉयज़ आर वेटिंग। ज़बरदस्त हो, वेलकम टू कराची, ठीक है, वेलकम टू गल्फ होटल। ठीक है बच्चों, और सब खैर? अभी आपको इंशाल्लाह आपका डिनर लग रहा है। और जी आप लोग सारे ठीक हो? वेलकम टू कराची, ठीक है, सब ठीक है। पीछे वाले को भी वेलकम, साइड वालों को भी वेलकम, ठीक है, उस साइड वालों को भी वेलकम, ठीक है। शुरू कर दिया जी, बच्चे खाना शुरू हो गया खाने, माशाल्लाह बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। आ जाएंगे सब, सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। क्योंकि मेहमान हैं, इनका नंबर ही आखिर में आता है बेचारों का, कौम की रखवाली करते हैं, आफरीन हैं टीचर्स को। थैंक यू। और अब आए हैं, आखिर में आए हैं बेचारे। उस्ताद भी माँ की तरह ही होता है, जब माँ सारे बच्चों को खिला के खुद खाना खाती है, उस्ताद भी सारे बच्चों को खिला के खुद खाते हैं फिर। कमाल है उस्ताद। सलाम उस्ताद। क्या हाल चाल आपके? आई एम गुड, आप सुनाए ठीक हैं? आप मेरे होटल में ठहरे हुए, कैसा लग रहा है आपको? आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। कहाँ से आए आप? मैं सरगोधा से सर। अच्छा, आप पंजाब? मैं भी सरगोधा से। अपना तारुफ करा दो, थोड़ी मंगनी है टूटनी। मेरा नाम शहबाज अली है जी। अच्छा, और मैं सरगोधा से आया, और मुझे माशाल्लाह सदर में गल्फ होटल जैसा माहौल कहीं नहीं मिला। अच्छा जी, अच्छा जबरदस्त। शादी हुई थोड़ी? शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। शादी हुई? बच्चे? बच्चे नहीं, अल्लाह देगा जी। अच्छा जी, चलो अल्लाह देगा इंशाल्लाह। आप बताएं सर। मेरा नाम सुहेब है। अच्छा, मैं फैसलाबाद तो आया वहाँ, कराची आया समुंदर वेखण, इथे का माहौल वेखण आया, इंजॉय करन आया कि किदां दे लोग आ ते की इथे नजारे आ। पंजाब दे विच समुंदर नहीं हैगा, कराची दे विच समुंदर हैगा वा, ओह वेखण आया बोट दे विच। साडे कोल इथे फैसलाबादी भी बड़े ने, लगे तुहाडे वर्गा कोई नहीं। क्यों? अच्छा, क्या बात है, बड़ी मेहरबानी सर, तुहाडा शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, देना जल्दी जना जाना, किते समुंदर च पार ही ना हो जाना। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, नहीं नहीं, जावा जाते हैं, ध्यान जाने जी, इंजॉय करते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सर मेरा नाम मोहम्मद उमैर है जी, मैं सरगोधा था वहाँ, तो गल्फ होटल जाए हैं असि, दूसरी दफ़ा मैं आया, बहुत मज़ा आया इतने। अच्छा जी, वेरी गुड। मैरिड अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ, मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। रजिस्टर्ड? अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं पंजाब सरगोधा से आया हूँ, और इस होटल में तक मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आपका स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड? नहीं, मैं अभी अनमैरिड हूँ। अब एक बात है जो मैंने किसी को पता नहीं, काट दूंगा। कोई बातचीत चल रही है किधर? काट दूंगा। हाँ जी, वैसे तो एंगेजमेंट में हुई है। एंगेजमेंट हुई है? हाँ जी, व्हाट्सएप पे गाने जाने भेजते हैं, अपना इंटरव्यू भेजना, ये अच्छा ठीक हो गया। हाँ, उनको बोल दे क्या पैगाम देने जा रहे हैं मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने किस्मत की लकीरों से, मैं कहना चाहूंगा शादी होने की देर है, सारी लकीरें खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक बात हमारा एक मोटो है, आप नारा लगना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र सुबिल भाई, आप सुनाएं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह।
होटल की सर्विस के बारे में क्या ख्याल? माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा। आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा। लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी है। अच्छा। आप इस तरह करें जो बाथरूम है इसमें जो दूसरी सीट वगैरह लगाएं। बकाया माशाल्लाह आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी जा रही है, हर तरह की कोऑपरेशन है। ऐसे रूम्स हैं जिसमें दूसरी सीटें हैं एक्चुअली। इस जो इसको आप कहते हैं कमोड, कमोड का ये फ़ायदा है कि आपने ऊपर से सीट बंद की और नहाया तो या कोई मसला नहीं है। वो दूसरी सीट होती है खुली, उसमें जब आप नहाते हैं ना तो उसकी नापाकी आ सकती है आपको, इसमें नापाकी आने के चांसेस कम है। लेकिन इसमें यह भी है कि आदमी ने नमाज पढ़नी होती है। बाद लोग पसंद करते हैं, बाद लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा एक आइडिया मैंने दिया बकाया। अच्छी बात है, मेरा काम भी है, मैं आपको बताऊं मुस्लिम शावर यूज करें सर बकाया। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी मैनेजमेंट है, अल्लाह ताला इनको और दिखाएंगे इनका रूम दिखाएं। अशरफ भाई का जरा नाम लगाए हुए हैं, बहुत जबरदस्त रूम है। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं होटल के लिए, क्या कहना चाहेंगे और कोई मजीद? मैं अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी मैनेजमेंट में करें, बेहतर और बेहतर करें इंशाअल्लाह। अभी भी गुंजाइश है तरक्की की, तरक्की की गुंजाइश रहती है हमेशा, वो तो रहती है। इसमें तो 100% तो अल्लाह की दात ही है। बकाया तो इंसान की कोशिश स्ट्रगल करना। थैंक यू सर। लेकिन इनका सबील भाई का हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेशन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं और अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे। आमीन आमीन। पाकिस्तान सबील भाई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबील भाई जिंदाबाद। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। नदीम भाई आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप बताएं, शादीशुदा गैर शादीशुदा? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, मतलब रजिस्टर्ड? हाँ जी, रजिस्टर्ड हूँ जी। अच्छा, रजिस्ट्री समेत। अच्छा, आप ये बताएं, छोटे छोटे प्लाट भी हैं मेरे। अच्छा, परदेश में आप आए हुए हैं? जी जी, परदेश में आए हुए। आपको घर तो याद आता? डेफिनेटली घर याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं, मेरी बेटी बहुत याद आ रही है मुझे, मैं मिस कर रहा हूँ उनको। अच्छा, अगर वो देख रहे हैं तो आई लव यू ज़ैनब। नहीं, वो जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। अपनी जिससे वो बेटी पैदा हुई है तो उसके लिए चंद अल्फाज। बेटी एक ऐसी चीज़ है जिससे घर में खुशी आती है। आपकी बेगम साहिबा के लिए चंद अल्फाज। चंद अल्फाज, आई लव यू सो मच। देख लो जी, आई हैव नो वर्ड्स। हाँ आप बताएं सर जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब कैसे हो आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक, होटल कैसा है? बहुत जबरदस्त है जी। अच्छा, कैसे तो सहरा कर रहे हो कराची में? जी सहरा भी कर रहे हैं। कितने कितने गए थे? हम इस साल गए हैं दोदरिया पे, गए हैं लिफ्टन पे, गए हैं सी वी पे, गए हैं। तो आप फैसलाबाद से हैं? फैसलाबाद से हमारे। चलो ठीक है, तो पता तो आटा, कोई भरोसा नहीं होता फैसलाबाद वाले ना, समुद्र जो तैर दे कोई थी नहीं चले गए। नहीं नहीं इंशाल्लाह। सर आपके जो यहाँ पे इंतजामिया इतनी अच्छी है, वहाँ से फोन करके इनसे टाइम लेते हैं। ये तीसरा साल है जो हम इस कमरे में आकर स्टे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तीसरा साल है हमारा यहाँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताएं कि आप शादीशुदा? जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। रजिस्टर्ड? जी बिल्कुल। कितने बच्चे? माशा मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 2। तुहानू इस अलावा कोई काम नहीं सी? नहीं, पाकिस्तान की आबादी बढ़ाने थोड़ा बड़ा किरदार है यार, तुहानू जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस सॉरी, आप बुरा नहीं मानना? नहीं नहीं, बुरा। चलो नारा लगाओ फिर, पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम कामरान है जी। कामरान साहब, कामयाब हो? कामरान है आप जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से सर गोदा जी, फैसलाबाद से। हम कैसा लगा आपको कराची आके? बहुत ज्यादा एंजॉय किया है हमने ना, हमारे बॉस ने बहुत ज्यादा एंजॉय करवाया है हमें ना। अच्छा। हाँ जी, इसके अलावा माशाल्लाह आपका होटल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। आप खुद बहुत अच्छे हैं, आपके अमले ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। ओ नहीं भाई, आप तो पैसे लेते हैं तो कोऑपरेट करेंगे? वो तो आपकी बात ठीक है, पैसे लेके कोऑपरेट करने वाले भी बहुत कम होते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि मेरा होटल इस वक्त इस क्लास के होटल की जो है ना कीमत सबसे कम है। ये भाई साहब फरमा रहे थे ना 7,000 रुपये का डबल कमरा मिलता है और मैं 4,000 का डबल कमरा देता हूँ, और उसमें नाश्ता कम्प्लीमेंट्री देता हूँ जो मेरे बिजनेस क्लास में कमरे हैं। और ये कमरा 6,000-7,000 में होता है, 7,200 का ये कमरा जिसमें नाश्ता फ्री है। जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आपके रेट कम है। बाकी चले आप बताएं, आप शादीशुदा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। शादी लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। किने कराई थी? अम्मी ने, अब्बे ने? मिलके ही हुई है शादी ना हमारी। अच्छा, तुझे देखे थी पहले ये? नहीं देखा हुआ है मैंने। अच्छा चलो ठीक है, चलो तुझे फंस ही नहीं रहे हो, मैं क्या करूँ। तुझे मेरे तो भारी बंदा आया पहला जो मैं फंसा नहीं सकिया। चले सुबील भाई, कब से आपने इस होटल को ज्वाइन किया है? मेरे जी, मैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में तकरीबन 45 साल से हूँ। इसी होटल में? इस होटल में मेरे हो गए तकरीबन, मेरा ख्याल 38-40। बहरहाल ओवरऑल मेरी जो सर्विसेज हैं वो 45 साल पे मोहित है। इसका मतलब आपका ग्रेच्युटी फंड बन गया है?
ग्रेजुटी फंड तो सारा बन जाता है सर, वो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ये आपको जब रिटायर करेंगे तो आपको ग्रेजुटी फंड, वो ऑलरेडी मैं समझो उससे ज्यादा पैसे ले चुका हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका मतलब आप रिस्क पे हैं इस वक्त? अल्लाह मालिक है रिस्क पे, कल का किसी को क्या, किसी को नहीं पता, वो तो बात ठीक है। और आपकी कैसी ये सर्वे जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। देखें जो काम अल्लाह ने देना ना मुझे, जो रिस्क मुकर्रर है मेरा, लेकिन उसके साथ अल्लाह ने ये फरमाया कि आप मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत का फल फिर ज़्यादा मीठा होकर मिलता है। वैसे तो काम तो घर में लेटे हुए मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन मैं अपने फल को मीठा करके अल्लाह की वसीयत के मुताबिक और नबी की नसीहत के मुताबिक खाना चाहता हूँ, इसलिए। सुभान अल्लाह जनाब। तो जब हम आपसे बुकिंग करवाते हैं आप कोऑपरेट नहीं करते, इसका क्या मतलब है? आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बात ये डीलिंग में ना, वो सुने हम आपके सुने आप फैसलाबादी हैं, आप चाहते हैं 5 रुपए में सब कुछ कर लें। नहीं, 5 रुपए में क्यों? सुने मेरी बात, मिसाल दे रहा हूँ। बात ये है कि आप ये देखें कि इनपुट अभी इतने महंगे हैं कि 750 रुपये की बेडशीट है, उसकी धुलाई 250 रुपये की है भाई, वो इतनी ज़्यादा ये पाउडर वाशिंग पाउडर सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, और गैस है जिसका नाम ही नहीं है, बिजली 64 रुपये यूनिट, जुल्म नहीं खुदा का? ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। पहले जब आप आए थे 6 रुपये यूनिट थी, सही बात है। अब आप यकीन करें हमारे इनपुट इतने महंगे हैं कि हम तो एट पार होना बड़ा मुश्किल है। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस बिल में। बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करेंगे हमने एक साल के बाद। आई एम कोऑपरेटिव एवरी टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद रखें घोड़ा घास से जारी करेगा तो भूखा मरेगा, तो मैं आपको भी नहीं भूखा रखना चाहता, खुद भी भूखा नहीं रहना चाहता। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच, और दसो। मोहम्मद अहमद अख्तर, आप कहाँ से हैं? नहीं भाई, हम फैसलाबाद से आए हैं। अच्छा, तो होटल में आपको कैसा लग रहा है इधर आके? होटल में आगे अच्छा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कॉलेज का जमाना नहीं याद आ रहा, कोई यूनिवर्सिटी का ट्रिपो के साथ? हाँ जी, आ रहा है, जब अपने कुलीग से आते हैं कहीं जाने के लिए। अच्छा, तो ऐसे गैदरिंग होती है जी जी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा लगा हमारा ये सारा सेटअप? ये आपका सेटअप अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, आपने शादी की हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह शादी, दो बेटे हैं। तो ना कोई कुआरा मुंडा नहीं होता मेरे? नहीं, सारे शादी होते हैं। चलो शुक्रिया। क्या नाम आपका? मोहम्मद काशिफ रजा। मोहम्मद काशिफ रजा, अल्लाह की रजा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ से? फैसलाबाद सर जी, फैसलाबाद। फैसलाबाद जी, कैसा लग रहा है आपको इधर आके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। अच्छा जी जी, कैसा आपको हमारी जो सर्विसेज हैं वो ठीक हैं? हाँ जी, अच्छी सर्विस है। अच्छा, बेहतरीन है। हाँ जी, तो आपसे मैं क्या पूछूं, आप ही तो रजिस्टर्ड बंदे लग रहे हो। रजिस्टर्ड ही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड ही हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम आपका सर? मलिक नौमान। मलिक साहब, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਲਕ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੋਖਰ ਮਲਕ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਮਲਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਬ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਬ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਕਰਾਚੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਕਿਹਦਾ ਲਗਾ ਆਪਕੋ ਹੋਟਲ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੋਟਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਫੀਕ। ਰਾਣਾ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ। ਕੈਸਾ ਆਪ ਹੋਟਲ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ? ਮੇਰਾ ਯੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਮੇ ਤਕਰੀਬਨ चौथी दफा मैं आया हूँ। वही एक्सपीरियंस है जी, बहुत अच्छा सारा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक फोन करते हैं और हमें सर्विसेज फैसलाबाद ही मिलनी शुरू हो जाती है। जबरदस्त, माशाल्लाह यार। तो ये आप तो फैन हो हमारे। जी जी, हम कहीं और सदर में आते हैं, हमें गुल्फ होटल के अलावा कोई होटल नजर नहीं आता जी। चलिए, जबरदस्त, माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत भी है, शफकत भी है। आप हमारे भाई हो, हमारे बहुत अच्छे आप क्लाइंट हो, हमें जी। सर्विसेज तो हर होटल देता है, लेकिन आपकी जो मोहब्बत शफकत है वो हमें इधर खींच के लाती है। अल्लाह खुश रखे आपको जी। अलहमद, आप शादी शुदा ही होंगे जी? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिले ही नहीं उठता गया। दोबारा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बताओ कोई रब्ता शाप्ता किधर? नहीं अभी फिलहाल तो कोई। व्हाट्सएप है तेरे पास? हाँ जी। फेसबुक भी चला रहे हो? जी बिल्कुल। फिर तुम कैसे आदमी हो, तेरा भी कोई रब्ता नहीं हो? रब्ता कर लेंगे, अभी फिलहाल नहीं है अभी कोई भी। नहीं तो बात छुपा ना, बता दे यार, काट देंगे हमने, बोवादा करें काट देंगे बात, बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। नाम क्या बताया था? जैन। जैन, आप कितनी दफ़ा आ चुके पहले? ये हम तीसरी मरतबा आ चुके। तीसरी मरतबा आ चुके। चलो, और कोई बात करना चाहो, कोई बात शेयर करो किसी से, कोई सॉन्ग वगैरह आता हो? नहीं जी, पाकिस्तान का कोई नगमा आता हो शेयर करो। नहीं नहीं, हमारी की आवाज़ में दर्द होता है ना? नहीं जी, हमारी तो आवाज़ में दर्द नहीं है। अच्छा, हम यही कहेंगे जी, जो भी कराची है एक दफ़ा गल्फ होटल को ज़रूर कॉन्टेक्ट करें।
इनकी सर्विसेज, इनकी मोहब्बत से फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों ये बच्चे हमारा जो ग्रुप है ये शेयर करके आ गया। ये जनाब इसका खसूसी इंतज़ाम किया हुआ गल्फ होटल ने इनके जनाब ये दिखाने के लिए, ये सारा कुछ कार्ड वार्ड लगे हुए इनको ताकि गुमशुम कोई ना हो जाए। कैसा लगा आपको होटल? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कोई चीज़ शेयर करना चाहोगे? कोई चीज़ आती है आपको बयान करना? आती है कोई चीज़ आती है? किसी को टैलेंट है कोई? चलो और कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तान का नारा लगाओ, पाकिस्तान। डिनर स्टार्ट, लोग आ रहे हैं अभी बैठेंगे। डिनर स्टार्ट हो गया, ये दीजिए डिनर स्टार्ट। ये आ गया जनाब सब्ज़ी, ये आ गया पीस पुलाव, ये आ गया रायता एंड सलाद। सब खाओ बच्चों, खाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। दुरानी साहब वेलकम इन गल्फ होटल। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और ये तो 30 साल से मेरा आपसे रابطہ है। आप अभी तक बचपन में ही हैं, बचपन में तो गए नहीं हैं। मैं बचपन में भी चला गया हूँ, लेकिन ये कि मेरा इस होटल से बड़ी गहरी वाबस्तगी है। अच्छा। और माशाल्लाह इसकी मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा रोल है। अच्छा। और बहुत अच्छा स्टाफ है। इसके अलावा यहाँ पे हमेशा बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है, अपने कस्टमर की बड़ी केयर करते हैं। अच्छा। और हमारा तो आपके साथ एक लंबा साथ रहा है। अच्छा। और इस वजह से और आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच के ले आती है। अच्छा, जब मोहब्बत में आप खींच के आते हैं, जलेबियाँ भी तो खाते हैं ना? जी जी, आपकी तरह आपको गल्फ होटल की। और क्या जबरदस्त कुरकुरी जलेबियाँ थी जनाब, बहुत जबरदस्त। क्या क्या यहाँ एंजॉय किया? जबरदस्त जी, चना चाट एंजॉय किया। अच्छा। चाय जबरदस्त, बिस्किट, जलेबी, कुरकुरी जलेबी, और जबरदस्त। लोगों को क्या कहेंगे जी? मैं सबको ये कहूँगा कि जब भी कराची आए तो गल्फ होटल का विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच। नारा होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आखिर गल्फ होटल आप पहुंच गए? जी जी बिल्कुल पहुंच गए, बच्चे सारे लेके और पूरी टीम लेके आए हैं हम यहाँ। अच्छा? पे कराची घूमने। अच्छा, तो कैसा घूमने फिरने में आपको कैसा लग रहा? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पे सहूलतें हैं सारी। अच्छा। और स्टाफ भी काफी मतलब बच्चों को की बहुत ही केयर कर रहा है, वो हर चीज टाइम पे मिल रही है यहाँ पे। अच्छा। और किसी किस्म की शिकायत अभी तक नहीं हुई। अच्छा। मतलब हमारी बहुत बड़ी टीम थी। अच्छा। लेकिन सारे बच्चे अच्छे से मैनेज हो गए। जी जी। और सारे हंसी खुशी जा रहे थे आज, तो सबका फीडबैक बहुत पॉजिटिव था होटल से मुंसलिक। वेरी गुड। असल बात ये होती है कि सर्विसेज इंडस्ट्री में सियाने ये कहते हैं कि इसमें 60-65 नंबर ले लिए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि सारे दिमागों को आप पढ़ नहीं सकते। आप तो रिकॉर्ड भी मैं आपसे बात कर रहा था, तो अच्छी बात है कि आपके रिजल्ट अच्छे हों। जी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी होटल की, और मतलब एक तो ये सदर में है, तो जो सारे हमें स्पॉट्स घूमने थे वो भी यहाँ से नज़दीक ही थे। जी जी जी। तो इसलिए हमने पहले भी जो हमारे स्टाफ वगैरह यहाँ पर रहा था उनसे भी फीडबैक लिया था। जी जी, तो सबने रिकमेंड किया कि भाई गल्फ होटल सही है, उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, उनका खाना भी बहुत अच्छा है, रूम्स भी साफ़ सुथरे हैं। 2014 में जो बच्चे मैंने ट्राई थे छोटे छोटे बच्चे थे, 5-5 साल के, ऊपर बड़े हो गए 18 साल के हो गए। जी लेकिन मुझे लगा क्या सही है। हाँ बिल्कुल। और ये जो आज आए थे, कल बच्चे आए थे, उनकी भी जो एज ग्रुप था वो एडोलिसेंट थे, मतलब 16 प्लस के ही थे। जी जी जी। लेकिन ये कि काफ़ी बेहतर सहूलत थी यहाँ पे। चलें आपका बहुत शुक्रिया, रिकमेंड करेंगे लोगों को। जी जी, सबको सब आएँ, जब कराची आना हो तो गल्फ होटल ज़रूर स्टे करें। दूसरी बात भी करें, चैनल के लिए क्या कहेंगे? बोले जी TTHR चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जी शेयर करो। ये अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप TTHR चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। और शेयर भी कर देना, आप जैसे खूबसूरत आदमी आएंगे तो यार शेयर भी करेंगे। जी जी, शेयर लाजमी करें, शेयर लाजमी करें जी। इतने खूबसूरत आदमी देखें, लड़कियों से ज़्यादा नाजुक हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बच्चियाँ वापस आना शुरू हो गई जी,
IRC की बच्चियाँ ये आ गई नीचे, उतर गई हैं गाड़ी से। ये देखिए बच्चे पहले आ चुके हैं, बच्चियाँ आ रही हैं। हमारे साथ रहें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए, थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहें। देखें अभी माशाल्लाह आ रही हैं। ये देखिए, थैंक यू। Thank you.